मैं सैयद हामिद हुसैन जाफरी, सदर तेलंगाना शिया यूथ कॉन्फ्रेंस हैदराबाद, ऑल इंडिया शिया यूथ कॉन्फ्रेंस की हैसियत से मैं आवाम के सामने और प्रेस और मीडिया से अपील करता हूँ। मैं आज मीडिया के सामने इसलिए हाजिर हुआ हूँ कि माह मुहर्रम के इंतज़ाम के लिए जो रियासती हुकूमत की जानिब से किए जाते थे, जो अभी तक आप कुछ काम शुरू नहीं हुए हैं, और सबसे बड़ा काम रियासती हुकूमत की जानिब से एक इजलास बुलाया गया था, उसमें इत्तला दी गई थी कि मरकजी जुलूस आशूर के लिए और शब आशूर नाले मुबारक, छोटे नाले मुबारक, बड़े नाले मुबारक और आठ मुहर्रम के जुलूसों के लिए आज 3 से 4 दिन का अर्सा हो गया, लेकिन रियासती हुकूमत कोई आर्डिनेंस जारी नहीं की जिसके लिए अकीदतमंद मोमिनीन बिला मज़हब व मिल्लत इस सिलसिले में बहुत फिक्रमंद है। इसी के साथ साथ रियासती वक्फ बोर्ड से मैं अपील करता हूँ कि दर्जे वक्फ आशूर खानों की आबपाशी के लिए खुसूसी ग्रांट जो जारी की जाती थी अभी तक जारी नहीं की गई, जिसमें ख़ास तौर से कदीम 400 साल कदीम आशूर खाना इमामबाड़ा रैन बाज़ार, जहाँ पर पीने के पानी के नल का कनेक्शन बोरविल के अलावा आबपाशी का काम है। इसी के साथ साथ गुरुद्वारा गलीगुड़ा चमन के सामने आशूर खाना और दरगाह जो पिछले 4 साल से बंद है, इसकी क्या वजह है, क्या हालात है, मैं रियासती वक्फ बोर्ड की से भी नुमाइंदगी कर चुका हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये तो ये आशूर खाना फिर से खोला जाए। दूध बौली में कामाटीपुरा आशूर खाना जो इस वक्त बहुत ही खस्ता हालत में है और वहाँ के मसाइल बहुत ही संगीन है, वहाँ पर इस तरह कब अलम इस्ताद होंगे, वहाँ पर कब आपाची होंगी और कब जो है तो यहाँ पर अलम की इस्तादगी के लिए इंतजाम किए जाएंगे। इसी के साथ साथ कल के अखबार में ये इत्तला वक्फ बोर्ड की जानिब से आई कि इस साल माह मुहर्रम के इंतजाम के लिए कोई ग्रांट जारी नहीं की जाएगी। कहाँ तक सच है इसकी इत्तला मुझे को तो नहीं मालूम। मैं सैयद हामिद हुसैन जाफरी रियासती वक्फ बोर्ड से हुकूमत से अपील करता हूँ कि वो माह मुहर्रम के इंतजाम के लिए जल्द से जल्द इजलास तलब करे और हुकूमत जो वायदा की थी वो वायदा पूरा करे। और दूसरी बात कि साबिक में 2019 में जो हाथी लाने के लिए रियासती वक्फ बोर्ड 3 लाख रुपए हाथी के लिए दिए थे, अखबार में ये इत्तला आई कि इस साल हम कोई भी ग्रांट हाथी के लिए नहीं देंगे, 3 लाख रुपए दिए थे बल्कि ये इत्तला दिए, तो अभी मुहर्रम के कोई इंतजाम किए ही नहीं और जो है तो बजट नहीं होने की इत्तला दी है कि ये अखबार में इत्तला आई है कि जो है बजट नहीं है, मुहर्रम के इंतजाम नहीं होंगे बल्कि मैं इस सिलसिले में रियासती वक्फ बोर्ड से कई आशूर खानों के लिए नुमाइंदगी किया हूँ, बिलखसूस कामाटीपुरा के आशूर खाना और गलीगुड़े चमन के पास के आशूर खाना के अलावा पंज भाई आशूर खाना और गोलकुंडा किले आशूर खाना बीबी के अलावा बारगाह हजरत अब्बास और दीवान दौड़ी अदा खाने जहरा और दीगर आशूर खाने हैं, उन आशूर खानों के लिए आबपाशी की सख्त ज़रूरत है वहाँ के इंतजाम के लिए। लेकिन रियासती वक्फ बोर्ड जो है अपना एक आर्टिकल दिए है कि इस साल हम कोई ग्रांट नहीं देंगे, इसकी इत्तला कहाँ तक सही है वो कल हम इंशाल्लाह रियासती वक्फ बोर्ड पर जाकर मुलाकात करेंगे, अगर नहीं है तो धरना देंगे, एहतजाज करेंगे, हमारे मसाइल को फौरी हल करें। मैं सैयद हामिद हुसैन जाफरी प्रेस और मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपके थ्रू हमारी बात हुकूमत तक पहुँचे और हमारे मसाइल हल हो जाए, बिलखसूस माह मुहर्रम के 10 मुहर्रम के इंतजाम, हाथी का इंतजाम, जुलूस का परमिशन, जो भी हुकूमत गाइडलाइन देंगी हम उसको पूरा करेंगे, जैसे कि डिस्टेंस मेंटेन करना, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना, मास्क लगाना, जितने भी ये तो हुकूमत हमारे को हिदायतें देंगी हम उसकी पूरी पूरी तरह से हम उसका अमल करेंगे। इसी के साथ मैं फिर एक मरतबा महमूद अली साहब वज़ीर दाखिला से अपील करता हूँ कि आपने वायदा किया 3 दिन के बाद हमें इत्तला देंगे, वो 3 दिन गुजर चुके हैं, मोमिनीन ज़ायरीन अवाम आपके जवाब के मुंतज़र हैं। जी हाँ दोस्तों, हसीनाओं के हुस्न को दोबाला करे टूफा, टूफा हर्बल हेयर ऑयल, कुदरती जड़ी बूटियों का एक नादिर नायाब शाहकार उनके लिए जो घने बालों की शौकीन है, मर्द और ख्वातीन के लिए यकसा मुफीद
टूफा हर्बल हेयर ऑयल हर मेडिकल स्टोर और जनरल स्टोर पर आसानी दस्तियाब। टूफा हर्बल हेयर ऑयल SNQ फार्मेसी की नायाब पेशकश, आज ही इस्तेमाल कीजिए टूफा हर्बल हेयर ऑयल।